पेमेंट करेंगे। आज इनको किडनैप करके इनका घड़ी चुरा के लेके जाएंगे एकदम। और यहाँ पे आप कैमरा घुमाओगे जितने सब कोई एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छा इन्फ्लुएंसर है जो कि अपने झारखंड समाज को कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मन करता है कि आपको आगे गले लगा ले। हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको जोहर। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पे। आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज आपके भाई का यानी कि मेरा एक बहुत ही स्पेशल दिन है और आपके लिए भी स्पेशल दिन है, क्योंकि आज जा रहा हूँ यूट्यूब मीटअप पे। तो वो मीटअप रांची पे है, आप सबको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या होगा। तो आप सब लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम रांची पहुँच गए हैं और यहाँ पे लोकेशन है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं इसी हॉल में अभी हम लोगों का इवेंट होने वाला है। चलिए आप सबको अंदर लेके चलते हैं और आपको अंदर के नज़ारा दिखाते हैं, देख सकते हैं। और ये एक मेरे साथी मिले हुए हैं सबसे पहले यहाँ पे। भाई अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम विवेक लकड़ा है, विवेक लकड़ा ब्लॉग्स। आप लोग जाइए देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे ब्लॉग। तो चलिए आपको हॉल के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए भाई यहाँ पे ऐसा नज़ारा है। अभी आ चुके हैं हॉल के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं हुए हैं। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है रांची के बहुत ही फेमस यूट्यूबर नितेश भाई जी ने, और उन्होंने ही हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। और उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़े इवेंट पर इन्वाइट किया। तो देख सकते हैं यहाँ पर नितेश भाई जी आ गए हैं, और आइए आपको नितेश भाई से मिलवाते हैं। तो आइए आप सबको नितेश भाई लोग से मिलवाते हैं। नितेश भैया, हेलो भैया। हेलो भैया, देख सकते हैं गाइस नितेश भैया आ गए अभी। हेलो गाइस, यहाँ पे सारे रांची के यूट्यूबर लोग आए हुए हैं, यहाँ पे नितेश भाई से मिलिए। हेलो भैया, हेलो, हाय हाय हाय। चलिए अंदर चलते हैं, नितीश से पर्सनली मिल लिए। अभी मुझे याद है आज से 10 दिन पहले मैंने नितीश को, का प्रोग्राम 4 बजे से शुरू होगा, 3 बजे हम लोग आप लोगों से बात करने के लिए रखे हैं, ठीक है। हम बोल रहे थे कि थोड़ी देर हम लोग बस अंदर चले। हेलो, अगर आप सबको नितीश भाई का क्रेज देखना है तो रांची आइए, रांची में आप सबको दिखेगा नितीश भाई का क्रेज, जो कि रांची के बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं। कैसे आए आप लोग, हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे तो सब जानते हैं, पर अगेन दिस इज मी सना श्रेष्ठ, बाय प्रोफेशन आई एम अ मॉडल एंड एक्टर टू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी यहाँ पे आने के लिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, इस मीट एंड ग्रीट को स्पेशल बनाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। एक बार जोर अभी हमारा केक कटिंग होगा और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि YouTube अभी भी ना हमारे इस ये सोसाइटी में लोग सीरियस नहीं लेते हैं, फैमिली उतना सीरियस नहीं लेती है। तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो आज ये मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल था। तो थैंक यू। और यहाँ पे बादल और बिट्टू भैया मेरे कजन जो शुरुआत से हमें इतना सपोर्ट किए हैं। बादल को आप लोग हमारे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखे होंगे। बादल और बिट्टू हमारे कजन हैं, तो इनका साथ भी थ्रू आउट रहा है, पूरे फैमिली का रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाभी आप कुछ बताइए, भाभी हमारे सिमडेगा से हैं। अगर आपके साथ में आपके कुछ अच्छे दोस्त है ना, तो आपको एक मोरल सपोर्ट जरूर मिलता है। और ताली बजाओ, क्या कर रहे हो, ताली बजाओ, केक कटिंग होने वाला है, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्रेजी हो रहे थे यार। तो ये केक कटिंग आप सभी के नाम है, यहाँ बैठे जितने यूट्यूबर्स हैं उन सबके लिए एक सेलिब्रेशन है। और हमारी ये
यूट्यूब फैमिली कह लीजिए, हमारी कम्युनिटी कह लीजिए, हमेशा साथ रहेगी और कोशिश यही है कि हम लोग एक दूसरे का साथ दें। इनको एक बहुत ही अच्छा डेयर मिला है, मुझे प्रपोज करना है मैडम से। तो यहाँ पे स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे कॉफी मिल रहा है, देखते हैं कॉफी पी के कैसा टेस्ट है। कॉफी का टेस्ट तो अच्छा है भाई। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको हल्का रखाऊँ ताकि अगर कोई भी एक चीज़ को ज़्यादा खा लूँगा तो फिर और खाने का मन नहीं करेगा, पेट भर जाएगा, इसीलिए सब चीज़ को हल्का हल्का लेके खाऊँगा। पेट तो काफ़ी अच्छा है, पता नहीं क्या चीज़ है पर खाने में अच्छा लग रहा है। तो भाई लोग आप देख सकते हैं अभी हम चिल्ली चाउमीन खा रहे हैं जो कि वेज है और बहुत ही शानदार है, टेस्ट लाजवाब है। कैसे दे रहे हैं भैया, फ्री में दे रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं? हाँ। कैसे गिलास दे रहे हैं? और ये रहा मेरा सूप, देखते हैं सूप का टेस्ट करके सूप का टेस्ट कैसा है। तो दोस्त यहाँ पे मेरा आ गया सूप, देखते हैं सूप टेस्ट करके कैसा लगता है। सूप का टेस्ट काफ़ी बेहतर है भाई। आप सबको मिलाते हैं राजवीर भाई से जो कि रांची में तबाही मचा के रखे एकदम। भाई आपका वीडियो देख के ना मन करता है क्या करे, आके करता है क्या करे। एक बार मन करता है क्या करे, मन करता है कि आपको आगे गले लगा ले। चलिए भैया बहुत बहुत आप आए, बाहर आए यार, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। धन्यवाद। आप लोग एंजॉय कीजिए। राधिका तुम इटा हो रही है रे, कितना देता है? 10 रुपया मिल जाता है, 6 से 8 बजे। आज इनको किडनैप करके इनका घड़ी चुरा के लेके जाएंगे एकदम। इतना अच्छा इवेंट कराया है और इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर आए हैं, छपली लोग तो दूर है खैर। एक देखो यहाँ पे जितने लोग, एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप कैमरा घुमाओगे जितने सब कोई एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छा इन्फ्लुएंसर है,
जो कि अपने झारखंड समाज को कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया। और कुछ तो हमारे ऐसे हैं कि हमारे एरिया को बदनाम कर रहे हैं, वैसे लोग को अनफॉलो करो, मैं बता दे रहा हूँ बार बार। वो लोग बहुत अच्छा लगा। जो बात है क्लियर, मैं यही बोलूंगा क्योंकि पहले हम जैसे चलेंगे वैसे हमारा समाज चलेगा, क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर सही बात है। भाई सोच के देखो ना, ये फॉरेन कंट्री का जो भी आते हैं यहाँ पे मेहमान, उनको अपना ये आदिवासी कल्चर दिखाते हैं, खान पान खिलाते हैं, ऐसा कोई अभी तक नहीं किया है। लेकिन थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर से बात कर रहा है, उनसे वीडियो बनाए तो हम कुछ अलग करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे छोटे यूट्यूबर है उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे उनके साथ वीडियो बनाएंगे। चलिए, कितना खा रहे हो भाई लोग? फ्री का मिल रहा है मतलब सब खा के चट कर जाओगे? कोई बात नहीं, थैंक यू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, बहुत सारा खाना खाने के लिए, बहुत सारा भूख लगा हुआ है। और अभी प्रोग्राम तो 8 बजे तक चलेगा, पर मेरा घर बहुत दूर है तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि रात भी हो चुका है। पहले तो पेट पूजा करेंगे, खाएंगे ज़बरदस्त, उसके बाद चलेंगे घर। तो बस एकदम हम खाना पीना खा लिए, दबा के पूरा पेट भर गया है। अब चलते हैं घर क्योंकि बहुत ही रात हो चुका है। तो दोस्त आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अभी प्रोग्राम तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 8 बजे तक चलेगा, पर अभी हम जा रहे हैं 7 बजे क्योंकि अभी मेरा घर है दूर, तो जाना पड़ेगा। रात में जंगल उंगल भी आता है रास्ते में, क्या करें, भालू उलवा जाएगा तो अभी भागना पड़ जाएगा। वैसे भी 10 किलोमीटर भागने का एक्सपीरियंस है, भालू तो नहीं पहुँचा पाएगा मेरे को। अब चलते हैं भाई, अब देख सकते हैं हॉल से बाहर आ गए हैं। तो मेरे भाई लोग, आप सबको ये इवेंट कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इवेंट अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।